रियलिटी के अराउंड बहुत है, जबकि पंजाब के अजक यूथ गलत रस्ते जरा भटक जाता तो भटक के वो फिर सही राह पर आने मैसेज है कि जानन तो रस्ता बहुत आसान है बट आने राह नहीं है। मैनु तो यह नहीं पता लग्या क्यों मेरे पुत क्यों चक के लै गई। और जो टॉपिक है मर जाने माँ और सन का इमोशन के नाल फिर वही हुई कहानी है, अमरदीप गिल होने की कहानी है। और अपने बच्चों को नाल लेके जाओ जिदे नाल उन्होंने मैसेज ही मिलेगा, चंगा मैसेज ही मिलेगा ताकि यूथ गलत राह से ना भटके। मेल करा दे रब्बा तो कैरियर शुरू किया काफ़ी फिल्मा बना चुके हैं, शरीक बनाई है, लकिया बनाई है, जिन्हें मेरे दिल लुटिया बनाई है, यार अनमूल्य बनाई है, काफ़ी फिल्मा बना चुके हैं। आ भी रही है साड़ी फिर मामला गड़बड़ आ रही है। अच्छा, वो बी एन शर्मा और जसविंदर भल्ला जी है, निंजा भी हैगा उस एक्शन इमोशनल फिल्म है जी। वो कॉमेडी फिल्म है। जो भी आप कोई नींह पत्थर रखते हैं तो वह नींह पत्थर होना मजबूत होना जरूरी होंगे। इस तरह नींह पत्थर होंगे फिल्म का जो प्रोड्यूसर होंगे वै जिद पूरा दरमदार खड़ा होंगे वै। जो प्रोड्यूसर किसी फिल्म के उत्ते पैसा लाता तो सोच समझ के लाता, लेकिन जो मरजाने फिल्म बनी तो उन्होंने एक हट के फिल्म बनाने की कोशिश की विवेक होरियारा न। विवेक होरियारा आप मुलाकात करते हैं, बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर। तो तुम अपनी इस फिल्म बारे कुछ जानकारी दो। सर मर्जा ने बहुत रियलिटी दे अराउंड पिक्चर है, बहुत ज़्यादा सच्चाई दे कोल दी पिक्चर है। और जो पंजाब दे विच जिदा दे अपनी यूथ जिस तरह का अज नेचर है ज जिस तरह का यूथ जिदा दी संगत दे विच पै के गलत राह ते पै जांदी हैगी, तो फिर वो एक मैसेज भी दिंदी यूथ नूं इह फिल्म कि गलत राह ते पैण लई जाण नूं तां रस्ता बहुत आसान है बट वापस मुड़न नूं राह नहीं हैगा। और जिहड़ा टॉपिक है मर जाने माँ और सन दा इमोशंस दे नाल फिर वही हुई कहानी है, अमरदीप गिल होने की कहानी है। और रियलिटी दे अराउंड बहुत है, जबकि पंजाब दे विच अजकल यूथ गलत रस्ते जरा भटक जाता तो भटक के वो फिर सही राह पर आने लई मैसेज हैगा कि जाण नूं तां रस्ता बहुत आसान है बट आण नूं राह नहीं है। मेल करा दे रब्बा तो कैरियर शुरू किया काफी फिल्मा बना चुके हैं, शरीक बनाई है, लकिया बनाई है, जिन्हें मेरे दिल लुटिया बनाई है, यार अनमूल्य बनाई है, काफी फिल्मा बना चुके हैं, कई फिल्म अजकल जरा। हाँ जी, जो अजकल फिल्मों का दौर सगा जो हासे खेडने फिल्मों का कॉमेडियन फिल्मों का, लेकिन तुम एक हट के मर जाने जो तुम करैक्टर सुनाया गया डायरैक्टर साहब ने सुनाया, तो तुम उस टाइम फिर की सोचा कि इस फिल्म से मैं पैसा लावा तो किदा महसूस होया तुम। अजक ओ टी टी का जमाना है तो ओ टी टी के आने एमेजॉन नैटफ्लिक्स के आने लोग रैलेटिव वाली चीज़ा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं जी जी। तो असी हासे वाली भी फिल्मा बनाई हैं, अगर काफ़ी फिल्मा बनाई हैं हासे वाली है जी। तो आ भी रही है साड़ी फिर मामला गड़बड़ आ रही है। अच्छा, वो बी एन शर्मा और जसविंदर भल्ला जी है, निंजा भी है उस और प्रीत कमल भी है। ये राइटर अजय कुमार है, डायरेक्टर सागर शर्मा है। ਤੇ ਫਿਲਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜੋਨਰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 10 ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ और अपने बच्चों को नाल लेके जाओ जिदे नाल उन्होंने मैसेज ही मिलेगा, चंगा मैसेज ही मिलेगा ताकि यूथ गलत राह से ना भटके। ये मैसेज जरूर इस फिल्म तो मिलेगा। तो असं परमात्मा तो अरदास करते हैं वीर जी की फिल्म करोड़ों का बिजनेस करे, तो और असं दर्शकों कहेंगे कि 10 दसंबर पहुँचन थिएटर के और फिल्म का आनंद मानन और सिक्ख्या लेके आने।